इंदौर वन मंडल DFO महेंद्र सिंह सोलंकी ने नवाचार करते हुए स्टोर रूम में रखे कबाड़ को जुगाड़ में तब्दील कर दिया। कम खर्चे में 35 से अधिक पुरानी पेटियां, 5 अलमारी और 40 कुर्सियां एक बार फिर वन विभाग के लिए उपयोगी बन गई। इस आर्थिक प्रयास से वन विभाग की लाखों रुपए की बचत हुई है। दरअसल नवरत्न बाग स्थित इंदौर वन मंडल कार्यालय परिसर में नवीन रिकॉर्ड रूम बनाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग में कार्यरत कर्मचारियों का लेखा जोखा होने के साथ ही विभागीय रिकॉर्ड भी रखा जाएगा। इन रिकॉर्ड्स को रखने के लिए विभाग द्वारा जरूरी संसाधन भी खरीदने की योजना बनाई गई थी। इंदौर वन मंडल DFO महेंद्र सिंह सोलंकी ने निरीक्षण के दौरान स्टोर रूम में बड़ी संख्या में कबाड़ में रखी पुरानी पेटियां, अलमारी और कुर्सियों को देखा, जिन्हें अनुपयोगी होने पर स्टोर रूम में रख दिया गया था। DFO को इन अनुपयोगी चीजों को एक बार फिर उपयोगी बनाने का विचार आया, जिसके बाद उन्होंने कर्मचारी से उक्त सामान को स्टोर रूम से बाहर निकलवाया और फिर शुरू हुआ इन्हें उपयोगी बनाने का काम। DFO द्वारा किए गए नवाचार से 35 से अधिक पुरानी पेटियां, 5 अलमारी और 40 कुर्सियां एक बार फिर उपयोगी बन गई। विभाग नए रिकॉर्ड रूम में इनका उपयोग करेगा। ये हमारा इंदौर वन मंडल में इंदौर वन वृत्त कार्यालय भी आता है। ये बहुत पुराना हमारा डिवीजन है। इंदौर कंजर्वेंसी बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में हमारे अलमारियों में, बड़े बड़े बक्सों में हमारी पुरानी फाइलें रखी होती थी। तो अब पुराने भवन बने होने कारण नीचे कुछ अलमारियां, पहले अलमारियां खरीदी गई थी, पेटियां, बड़ी बड़ी पेटियां खरीदी गई, तो वो अनुपयोगी क्या होने की वजह से इनको हमारा एक स्टोर रूम बना है, वहाँ पे स्क्रैप के रूप में पड़ा था। मैं जैसे आया तो सबसे पहले मैंने उसको वहाँ पे निरीक्षण किया, देखा कि ये आखिर इसका क्या उपयोग हो सकता है। वो तो सारा अभी पिछले 3-4 सप्ताह से मैं उस पर लगा हूँ। स्टाफ की भी ड्यूटी लगी, मैं भी व्यक्तिगत रूप से जाता हूँ, देखता हूँ। तो वहाँ से कम 30-35 पेटियाँ निकली है और 4-5 अलमारियाँ निकली है और 30-40 कुर्सियाँ हैं, रेक हैं, जिनको थोड़ा सा रिपेयर कराने से उसका उपयोग हो जाएगा। आज हमारे पास इतना रिकॉर्ड उपलब्ध हो गया है, हमारे वन मंडल में 350 से ज़्यादा कर्मचारी जिनकी GPF, पासबुक, सर्विस बुक, ये वो बाहरी रिकॉर्ड हमारे पास है, तो उसको व्यवस्थित रूप से रखने के लिए इसका पुनर्जीवन दे के मैं चाह रहा हूँ कि हमारा रिकॉर्ड भी सुरक्षित रहे, उसका रीउपयोग हो जाए। आज उसी उसको छोटे से खर्चे से हमारा लाखों का बचत होगी शासन की, और उस अलमारी का, उस पेटी का सही उपयोग हो पाएगा।